भजनलाल किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। हाल ही में किसानों के सम्मान निधि को 2000 रुपए बढ़ाया भी गया है। एक बड़ी सौगात किसानों को दी गई थी और इसके बाद ये पहला मौका होगा जब किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होकर सीधे जो राशि है वो ट्रांसफर करेंगे खातों में किसानों के। तो आज महत्वपूर्ण दिन है किसानों के लिए, शोक से बड़ी खबर है। खासतौर पर कार्यक्रम किसानों के लिए आयोजित किया गया है और यहीं से किसानों को बड़ी सौगात देने का काम मुख्यमंत्री आज करने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और किसानों के खाते में सीधे जो बड़ी हुई राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी के मैराथन बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल की मौजूदगी में रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी आपको बता दें कि चर्चा हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर जो बड़ी जानकारी मिल रही है, चुनाव से पहले बीजेपी की मैराथन बैठक, रणनीति बनाई गई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। दरअसल अब 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में ये जो बैठक थी काफी महत्वपूर्ण माना जा रही थी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे थे। उपचुनाव से पहले बीजेपी की मैराथन बैठक में रणनीति बनाई गई और साथ ही जो लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा उसको लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी हमेशा से चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेती है और उसे निमित्त हम सब लोगों की तैयारी हमेशा कर रही है। अनुभव पे बात हुई क्या कि क्या कहीं कमी रह गई, क्योंकि जो हैट्रिक नहीं लग पाई विधानसभा में, जितने उम्मीद थी उसे कम से तो वितरण विस्तार कुछ बताया सर, कहाँ कमी रही, क्या सत्ता संगठन को समन्वय का अभाव था या कैंडिडेट चयन? विधानसभा में कांग्रेस 156 गिरी थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग आने वाले समय में और जो चुनाव है बाकी चीजों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर मिले पार्टी को, इसके लिए निश्चित रूप से सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। तो जो संकल्प पत्र हमने जनता के सामने लिए थे उसका 50% राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। आप देखिए कि पहले कांग्रेस की सरकार में अंतिम 5-6 महीने में गैस के सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, वो भी एक सिलेंडर दिया, और या पहले 30 दिन में 23 दिन में 450 रुपये में सिलेंडर देने का निर्णय कर लिया, पेंशन को बढ़ाने का निर्णय कर लिया, आदेश कर दिए, कल किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का उसका प्रोग्राम है, युवाओं को आज नौकरियां दी गई। तो ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, ये सारे के सारे काम। बिजली पानी के संकट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया है। मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि बिजली पानी पर डोटासरा को मेरे सामने लाकर बहस करा लीजिए। एयरपोर्ट देखिए। गोविंद सिंह डोटासरा को ऊर्जा मंत्री का चैलेंज। मंत्री हीरालाल नागर ने दी बहस की चुनौती। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो। बिजली पानी पर सामने आकर के बहस की चुनौती। टोंक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे तो थे सीएम के 30 जून के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने, लेकिन पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर उनसे रिएक्शन मांगा, जिसके जवाब में उन्हें बिजली पानी के मुद्दे पर उन्हें सामने आकर के बहस की चुनौती दे डाली। दरअसल बिजली पानी को लेकर डोटासरा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो कि उन्होंने पानी ने क्या किया, 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस सरकार में JJM के लिए 20 करोड़ रुपए देने का जिक्र किया और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस पर विद्युत विभाग को 149 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का आरोप लगाया।
केंद्रीय हमारे उपक्रम है उनके साथ एमओयू किए हैं और हमने 60,000 करोड़ का टेंडर निकाला है राजस्थान को 32,000 मेगावाट की जो हमारे सोलर हो थर्मल हो विंड हो ये सब योजनाएं देकर के हम अगले आने वाले 15 से 20 साल तक योजनाएं बना रहे हैं। ये पहली सरकार है, उन्होंने केवल इस विद्युत विभाग को पिछले 5 सालों में 139 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का काम किया है। दरअसल 30 जून को सीएम बदनलाल शर्मा टोंक दौरे पर आने वाले हैं, जहां सीएम एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसान को सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनके दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले मंत्री जी ने पीसीसी चीफ डोटासरा को ही बहस की चुनौती दे डाली। अब देखना ये होगा कि डोटासरा उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं। टोंक से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। We'll be right back.